जो ये जो सिटी है ना, इसका एक साइन बोर्ड भी उन्होंने बनाया था, और जो जिसको कोई अभी रीड नहीं कर पाया वो भी वहाँ पे है, तो सिटी का साइन बोर्ड भी है। मुझे लगा गाड़ी आ रही है, मैंने कहा अगर गाड़ी में ठोक दी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभी धोलावीरा में, और अगर मेरी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी कल की, तो मैंने उसमें कवर किया था अहमदाबाद टू धोलावीरा, और कल की राइड काफ़ी एडवेंचरस थी। सो अभी मैं रुका हूं होम स्टे में। सो घर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अंकल आंटी रहते हैं, तो जो रिसोर्ट्स हैं तो वहाँ पे मैंने प्रेफर नहीं किया रुकना, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ के कल्चर को भी थोड़ा सा देखने का मौका मिले मुझे। सो आज हम कवर करेंगे थोड़ा सा धोलावीरा के लोकल स्पॉट्स को, और चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या हिस्ट्री थी, और जो भी कवर कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये रही अपनी बाइक जो खड़ी है यहाँ पे, और ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है आप देख सकते हो, वो रहा हमारा रूम। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है पर अच्छा है। यहाँ पे जो एसी रूम्स हैं उनका रेंट काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू बिना एसी वाले, तो यहाँ पे हमें एसी रूम भी मिले और काफ़ी बजट में भी मिल गया। सो रूम थोड़ा सा छोटा है पर अच्छा है, काम चल रहा है। सो भी चलते हैं यहाँ से और कवर करेंगे, कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हाँ समुंदर, समुंदर वो जीव है उसका। अच्छा, ये उसका जीव का फॉसिल है, जैसे इसमें छोटे छोटे और भी है। तो ये आपको कहाँ मिले थे? वो मेरे पिताजी का कलेक्शन है। अच्छा, और ये आप म्यूजियम में नहीं देते हो? क्यों देंगे, वाह। जैसे इज इट अ स्नेल? या स्नेल, स्नेल का फॉसिल हो जाता है, स्टोन बन गया है। तो उसका जो बार का जो था, आफ्टर दिस फेज इट टर्न्स इनटू फॉसिल फ्यूल। तो ये करोड़ों साल रहता है ना जमीन में, तो ये स्नेल का फॉसिल है जो करोड़ों साल पुराना है। सो कोल्ड स्टार्ट कर लिया है बाइक को, और हेलमेट लेके जा नहीं रहा क्योंकि सारे स्पॉट यहाँ पे पास पास में ही है, हेलमेट की जरूरत नहीं है। तो मोटो व्लॉगिंग तो आज थोड़ी सी कम होगी, इसको भी धुलवाना है। इनके पास जाओ ना तो मारती हैं, सारी पहचानती हैं। पास जाने देगी आंटी है? धोलावीरा हड़प्पन सिटी में हूँ, और मेरे साथ है राज, बताना भी ढंग से, और ये यहाँ का लोकल हिस्ट्री है और अपना दोस्त बन गया, तो ये गाइड करेंगे बढ़िया हमको आज यहाँ पर। जो मतलब क्या है कि जो साइन बोर्ड मिला है उसका अभी तक, साइन बोर्ड है? हाँ, साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड उन्होंने बनाया हुआ था। हाँ, उन लोगों का बनाया हुआ था जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। कहाँ है वो? हम वहाँ जाकर देखेंगे, नॉर्थ गेट पर है, यहाँ से मतलब ऐसे ही डेमो आपको दिखा। जो ये जो सिटी है ना, इसका एक साइन बोर्ड भी उन्होंने बनाया था, और जो जिसको कोई अभी रीड नहीं कर पाया वो भी वहाँ पे है, तो सिटी का साइन बोर्ड भी है। वो यहाँ पे निकला था, यहाँ पे है इस लोकेशन पे। अच्छा, नॉर्थ गेट के नाम से, जिसको नॉर्थ गेट के नाम से। इसको क्या हो गया? अच्छा, छोटे छोटे है। क्या हो गया? क्या हो गया? अगर सर हम बात करें कि यहाँ पर ये साइट हमें कैसे मिली, तो पहले क्या हुआ करता था कि ये पूरी साइट मिट्टी से ढकी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लोकल लोग यहाँ पर काम वगैरह करने आया करते थे। तो मतलब आप जिस होम स्टे में ठहरे मोरादन गटवी, उनके पिताश्री थे शंभुदान गटवी, मतलब
1960 की बात है, 1960 की, तब मतलब गांव के लोग थे तो इतने पढ़े वगैरह तो थे नहीं, मतलब एजुकेशन वगैरह इतना था नहीं, तो वो मतलब एक ऐसे लोते मतलब एक व्यक्ति थे जो मतलब पढ़े हुए थे उस समय में गांव के, तो उनको क्या है कि यहाँ से मतलब वो आते जाते रहते थे, तो बीड्स वगैरह ऐसे जो हम मन के बोलते बीड्स बैंगल्स वगैरह ऐसे मतलब छोटी मोटी एंटीक्विटी मिलती रही उन लोगों उनको। उन्होंने क्या किया कि इकट्ठा करते रहे और फिर जो भुज में जो कच्छ म्यूजियम में जो एंटीक्विटी मिली थी उन्होंने भुज कच्छ म्यूजियम में मतलब भेजी, तो वहाँ पर क्या है कि आर्कोलॉजी के जिस्ट की जो टीम आई थी उन्होंने वहाँ पर देखा तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आई चीज़ें, तो फिर उनको पता चला कि ये वाली चीज़ें धौलावीरा से आई थी। तो फिर क्या है कि जगत पी जोशी नाम के आर्कोलॉजिस्ट थे, फिर उन्होंने आके यहाँ पर उन्होंने और उनकी टीम ने आके यहाँ पर सर्वे किया। फिर 1967 ने पूरी साइट को मतलब 1967 में पूरी साइट को अनाउंस किया उन लोगों ने कि यहाँ पर मतलब ऐसे हड़प्पा के मतलब कुछ अवशेष मिल सकते हैं उन लोगों को। तो फिर क्या है कि ऐसे सर्वे चलता रहा फिर 1919 में पूरी साइट का मतलब खुदाई स्टार्ट करवाई। तो ये सारी खुदाई हुई हुई है, मतलब ये हम इस टाइम डीप में खड़े हैं और ये जो एरिया जितना इतना ऊपर है ये इतना ऊपर तक था पूरा, ये सारा पोर्शन ढका हुआ था, ये बाद में खुदाई से निकाला। हाँ, बाद में मतलब खुदाई से। कौन से ईयर में? 1967 में 1990 में पूरी साइट की खुदाई स्टार्ट करवाई। अच्छा, बट उनको पता चल गया था 1967 में कि देयर इज समथिंग। हाँ, उनको मतलब पता चला था। फिर क्या है कि पूरी मतलब खुदाई जो चली थी वो 15 साल तक चली, 2005 तक। ओके। और अभी मतलब उन लोगों ने जिस हिसाब से बताया कि खुदाई हुई है तो अगर पूरी साइट का हम देखें तो 15-20% ही सिर्फ खुदाई हुई है अभी तक। ओह, अभी सिर्फ 15-20% बाकी की खुदाई अभी तक नहीं हुई है। ओके। और अगर इस जो शहर बसा था उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो शहर बसा था वो पूरा 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। अच्छा। 7 अलग अलग मतलब यहाँ पर जो संस्कृतियाँ थी, जो जनरेशन थी वो मतलब बदली थी, अलग अलग थी। ये शहर दो नदियों के किनारे बसा था। क्या है कि यहाँ पर दो नदियाँ हुआ करती थी। अच्छा। जो मतलब अगर देखे तो हम साइड के इस तरफ थी मनसर नदी और साइड के मतलब इस तरफ थी मनहर नदी, दो नदियों के किनारे पूरा शहर बसा था। अच्छा। और दोनों नदियाँ जो थी वो भी सीजनल नदियाँ हुआ करती थी। अच्छा। इसलिए हम अगर पूरी साइड पर देखे तो कैसे मतलब वो लोग पानी का स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा करे उस पर ज्यादा मतलब ध्यान दिया करते थे। और मतलब अगर पानी के स्टोरेज की बात करें तो साइट पर टोटल 16 रिजर्वर मिले। खुदाई पूरी नहीं होने के कारण अभी तक सिर्फ 5 ही रिजर्वर खुले किए गए। अभी पूरे मतलब रिजर्वर खुले नहीं किए गए। मतलब अगर देखें तो एक जो साइट का सबसे बड़ा रिजर्वर है जो हम आगे जाके देखेंगे उसको ईस्टर्न रिजर्वर के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर है, जो आप देखें हम देखेंगे ईस्टर्न रिजर्वर। तो ये रहा, मतलब ये है वाटर एक टैंक ना। अच्छा, ईस्ट टैंक, दैट इज वन ऑफ द 16th, मतलब 16 में से जो एक है ना जो सबसे बड़ा है। अच्छा, जो ये सबसे बड़ा वाटर टैंक है। ओके। और क्या है कि ये वाटर टैंक बनाया था हम लोगों ने। जिस घर में हम रह रहे हैं तो उन वहाँ पे एक आंटी रहते हैं, तो उनका जो उनके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने ही 1960 में यहाँ पे चीज़ें ढूंढी थी और फिर वो म्यूज़ियम में गए थे और म्यूज़ियम में जाके उन्हें दिखाया था। तो 1967 में उन्होंने आके यहाँ पे एक्सप्लोर किया था और 1990 में यहाँ काम शुरू हुआ था और 2005 तक यहाँ पे खुदाई की थी और 15-20% ही यहाँ पे खुदाई की है अभी। उसके बाद 2005 में कोई अर्थक्वेक के कारण यहाँ पे खुदाई रोक गई। यहाँ पे एक वाटर टैंक है, फिर दूसरा वाटर टैंक है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो यहाँ से पानी यहाँ से निकल के वहाँ जाता था, वहाँ से निकल के और नीचे जाता था, क्योंकि ये पानी को क्लीन करते थे, फिल्टर करते थे। जब पानी यहाँ पे स्टोर होता था तो पानी का कचरा थोड़ी टाइम बाद नीचे बैठ जाता था, तो पानी फिर यहाँ से दूसरे टैंक में जाता था, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो ऐसे ये प्योरीफाई करते थे पानी को। क्या प्रोसेस है यार, इतने साल पुराना ये सारी प्रोसेस, ये जो चीज़ें सारी बनाई हुई हैं अप्रोक्सीमेट 5000 साल पुरानी है। क्या बात है, कितना माइंड था उनमें, है ना। इसको अनाज के कोठार बोले जाते हैं। अनाज के कोठार इसलिए कहे जाते हैं कि क्या है कि मतलब जो मोहनजोदड़ो में भी ऐसे सेम स्ट्रक्चर वाले मतलब ऐसे मिले थे। तो जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तब क्या है कि उसमें से जो हम जौ बोलते हैं ना, जौ के दाने मिले थे, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको अनाज के कोठार बोले गए। और मतलब अलग अलग इसलिए रखे गए कि उसके भी दो रीजन दिए गए, चार है ना अलग अलग पोर्शन। हाँ, मतलब उसके दो रीजन दिए गए कि एक ये भी हो सकता है कि अगर एक में कुछ अनाज वगैरह बिगड़े तो एक साथ सारा का सारा ना बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और मतलब दूसरा रीजन ये दिया गया कि एक में कहीं वो लोग एक अनाज रखेंगे जैसे गेहूँ रखते हैं तो दूसरे में कुछ और रखेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या है कि उन लोगों की बीड वर्कशॉप हुआ करती थी, जो मन के जो मोती बोलते वो लोग मतलब यहाँ पर बनाया करते थे।
फिर अगर सामने वाले उस स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि वो लोग जो यहाँ पर मनके वगैरह बनाया करते थे वो वहाँ पर पॉलिश किया करते थे। ये मार्क्स हैं, ये किस चीज़ के हैं वैसे? तो यहाँ पे पॉलिश होती थी, तो ये उसके साइंस हैं सारे 5000 साल पहले। वाह, तो पूरा सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर उन लोगों के घर हुआ करते थे। अच्छा, ये मेन जगह है जहाँ पे वो रहते थे। मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब क्या है कि जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये पूरा शहर 7 बार बसा है और 7 बार उजड़ा है, मतलब जो अलग अलग जनरेशन आई उन लोगों के मतलब अलग अलग करके सेफ हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन से जो मतलब 4th तक जो आई उनका क्या है कि जो मतलब घर का स्ट्रक्चर हुआ करता था वो ऐसे स्क्वायर में हुआ करता था। फिर जो बाद में आई लेट हड़प्पन, उनका क्या है जो लेट हड़प्पन मतलब जो 7th जनरेशन आई लास्ट, उनका ऐसे मतलब राउंड शेप में टेंट की तरह हुआ करता था घर का स्ट्रक्चर। हाँ, ये बोलो। ये जो खुले मैदान जैसा दिख रहा है इसको स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। स्टेडियम इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर मतलब क्या है कि जो उन लोगों की घोड़े वगैरह की रेस हुआ करती थी या कोई भी फेस्टिवल वगैरह उन लोगों का हुआ करता था वो लोग मतलब यहाँ पर मनाया करते थे। जो सामने दीवार दिख रही है वाली, वो सामने दीवार मतलब इसलिए है कि जो मतलब स्टेडियम में मतलब जो फेस्टिवल वगैरह होता था वो मतलब लोग बैठ कर देख सके, इसलिए उन लोगों की ऐसे 3 स्टेप में ऐसे सीटिंग हुआ करती थी उन लोगों की सामने। तो फिजिकल स्ट्रक्चर था, हाइट कितनी थी उनकी और वो सो थोड़ा आइडिया है आपको? नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं है अभी किसी को। बिकॉज ये जो अगर घर हैं उनकी वॉल्स, बाथरूम की वॉल्स अगर कितनी ऊपर हैं उनके हिसाब से उनको आइडिया हो सकता है ना इस चीज़ का? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है कि अभी तक ऊपर की दीवार भी नहीं मिली है। अच्छा, ऊपर की दीवार किसी की नहीं थी ना? नहीं। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो दरवाजा था, जो यहाँ पर साइन बोर्ड मिला है वो ऐसे दरवाजे के ऊपर हुआ करता था। वो साइन बोर्ड यहाँ पे मिला है। फिर क्या है कि फिर जो भी हुआ ये पूरा शहर मतलब उजड़ गया, तो फिर साइन बोर्ड इसके नीचे मिला। तो वो देख सकते हैं हम? नहीं, अभी नहीं देख सकते। वो साइन बोर्ड नहीं देख सकते हम? नहीं, टक्कर रखा है भाई, पंचर नहीं हुआ हो बस। नहीं नहीं, पंचर नहीं हुआ। अरे पता लगी तो नहीं ज्यादा? थोड़ा आराम से करना, पंचर हो जाएगा, आगे हो जाएगा पंचर भी होगा। यहाँ से स्लिप हो गया ना ये? हाँ, वहाँ से स्लिप हुआ। क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है ना आपका, 400 kg है ना? प्लस 400 है यार। तो ये मैगी, इनकी एक डॉग है, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं हर जगह। तो अभी थोड़ा सा इनकी बाइक स्लिप हो गई थी। ठीक है अजय, कुछ भी नहीं यार, मतलब एक्चुअली क्या, मुझे लगा गाड़ी आ रही है। मैंने कहा अगर गाड़ी में ठोक दी तो आ रही थी गाड़ी, हॉर्न था सर। ओह, मैं मिस कर गया और मैंने सोचा कि वहां पर एक बार को रोक दूंगा मैं उससे। हाँ, चलो ठीक है, लगी तो मैगी ओके है। मैगी ओके है। शाम के 6:30 और हम एक और स्पॉट पे जा रहे हैं, और यहाँ पे बाहर एक गाय है, गेट खोलते ही अंदर आ जाती है। यार ये सारे खाने को ही फिर रहे हैं, मुझे नहीं जाने देगी कि नहीं। ये बाहर नहीं निकलने देती गाय। ये जो है ये एक लकड़ी का पीस है जो 18 करोड़ साल पुराना है, जो जमीन के अंदर था और अब ये पत्थर बन गया, तो ये फॉसिल बन गया। ये देखो, ये पीस दिख रहा है बिल्कुल पेड़ जैसा दिख रहा है, बिल्कुल पेड़। मुझे नहीं पता कैमरे में आ रहा है कि नहीं, पर एक्चुअल में ये पूरा पत्थर है। ये ऊपर से दिखाता हूँ ना मैं, तो भैया प्यास लग गया है बहुत तेज, फटाफट जाते हैं शहर के अंदर। ये था 9 किलोमीटर दूर फॉसिल एरिया, जहाँ पे जो पेड़ थे ज़मीन के अंदर उनको निकाला गया, जो मिले हैं यहाँ पे और जो पत्थर बन चुके हैं, तो वो यहाँ पर थे जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ से जो बॉर्डर है वो अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर दूर है, और यहीं पे BSF का एक ऑफिस है,
तो गाइज अभी मैं रूम में ही हूँ अपने, और ये मैं शूट सुबह कर रहा हूँ क्योंकि मैं रात को शूट नहीं कर पाया था। यहाँ पे जो विलेजर्स थे उनके साथ बैठ के मैंने बहुत सारी बातें की, तो वो थोड़ा सा कैमरे को लेके अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो मैं उनके साथ बैठा था, कुछ टाइम खुद के लिए निकाला और कुछ टाइम उनके साथ मैंने स्पेंड किया, और उसके बाद वीडियो को एंड करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो जो आज की वीडियो में हमने कवर किया था वो था हड़प्पा सभ्यता को जो यहाँ पे थे। सबसे मेन चीज़ की ये जो सभ्यता की खोज जब हुई थी, तो जिस घर में मैं रह रहा हूँ जो आंटी हैं उनके जो फादर इन लॉ थे उनके द्वारा ही की गई थी। 1960 में इसकी खोज की थी और 1990 के बाद 15 साल तक इस पे काम हुआ था, और सिर्फ 10-15% जो एरिया है वही एक्सप्लोर हुआ है। उसके बाद जो था इसका काम और इसकी जो खुदाई थी वो रुक गई थी। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने जो टाइम स्पेंड किया था वो ढोलावीरा में ही किया था। अगली वीडियो में हम सफ़र तय करने वाले हैं ढोलावीरा से कहीं और का, वो आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, और सबसे मेन चीज़ इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नई वीडियो के साथ। टेक केयर।